आज योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण का अवतरण दिवस है, अर्थात जन्माष्टमी है। शुभारंभ भगवान कृष्ण के जीवन से मिलने वाले 10 बड़े संदेशों से। शुरू से अंत तक जीवन संघर्ष ही है। स्वस्थ शरीर से ही विजय है। पढ़ाई पुस्तक आधारित ना हो बल्कि रचनात्मक हो। रिश्तों से ही जीवन है, बिना रिश्तों के कुछ नहीं। नारी का सम्मान समाज के लिए अत्यंत आवश्यक है। आपके मतभेद अगली पीढ़ी के लिए बाधा न बने। शांति का मार्ग ही विकास का रास्ता है। हमेशा दूरगामी परिणाम सोचें। हर परिस्थिति में मन शांत और दिमाग स्थिर रखें। लीडर बने लेकिन श्रेय लेने की होड़ से बचते रहें। श्री कृष्ण जन्माष्टमी की शुभकामनाओं के साथ सुप्रभात। मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा आपके साथ। सबसे पहले नजर मुख्य गतिविधियों पर। देश भर में आज मनाया जा रहा है जन्माष्टमी का त्योहार। सजे मंदिर, जगह जगह लगी झांकियां, भजन कीर्तन की गूंज। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति ने दी जन्माष्टमी की शुभकामनाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात की 113वीं कड़ी के जरिए देश को किया संबोधित। विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि के युवाओं से राजनीति में आने का किया आह्वान। 1 सितंबर से 30 सितंबर के बीच चलने वाले पोषण माह के महत्व को रेखांकित करते हुए लोगों को इस अभियान से जुड़ने का भी किया आग्रह। न्याय को अधिक से अधिक सरल और स्पष्ट बनाना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी। जोधपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय के प्लेटिनम जुबली समापन समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, न्याय को सरल और स्पष्ट बनाने की दिशा में देश ने कई ऐतिहासिक और निर्णायक कदम उठाए। अप्रासंगिक हो चुके कई कानूनों को किया गया रद्द। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के जलगांव में आयोजित एक समारोह में 11 लाख नई लखपति दीदियों को सम्मानित किया। 2500 करोड़ रुपए का रिवॉल्विंग फंड भी जारी किया और 5000 करोड़ रुपए के बैंक ऋण वितरित किए। माताओं बहनों के जीवन को आसान बनाने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता भी दोहराई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2047 में भारत की आजादी के शताब्दी वर्ष में नशा मुक्त देश का संकल्प अब हर देशवासी का संकल्प। नशा मुक्त भारत का संकल्प एक समृद्ध, सुरक्षित और वैभवशाली भारत के निर्माण के लिए बेहद महत्वपूर्ण। ड्रग्स सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि एक वैश्विक समस्या। एनसीबी के रायपुर आंचलिक इकाई कार्यक्रम के उद्घाटन संबोधन में बोले केंद्रीय गृह मंत्री, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि न्याय को अधिक से अधिक सरल और स्पष्ट बनाना सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने ये भी कहा कि प्रक्रियाएं न्याय को कठिन बना देती हैं। रविवार को जोधपुर में राजस्थान उच्च न्यायालय के प्लेटिनम जुबली समापन समारोह को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि न्याय को सरल और स्पष्ट बनाने की दिशा में देश ने कई ऐतिहासिक और निर्णायक कदम उठाए हैं। सरकार ने अप्रासंगिक हो चुके कई कानूनों को रद्द किया है। प्रधानमंत्री ने हाल ही में आपराधिक कानूनों में किए गए बदलाव का उल्लेख करते हुए कहा कि ये सुधार बहुत आवश्यक थे। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज देश के सपने बड़े हैं और देशवासियों की आकांक्षाएं बड़ी हैं। साथियों, मेरा मानना है न्याय हमेशा सरल और स्पष्ट होता है, लेकिन कई बार प्रक्रियाएं उसे मुश्किल बना देती हैं। ये हम सबकी सामूहिक जिम्मेदारी है कि हम न्याय को ज्यादा से ज्यादा सरल और स्पष्ट बनाएं। और मुझे संतोष है कि देश ने इस दिशा में कई ऐतिहासिक और निर्णायक कदम उठाए हैं।
हमने पूरी तरह से अप्रासंगिक हो चुके सैकड़ों कॉलोनियल कानूनों को रद्द किया है। आजादी के इतने दशक बाद गुलामी की मानसिकता से उभरते हुए देश ने इंडियन पिनल कोड की जगह भारतीय न्याय संहिता को एडॉप्ट किया है। दंड की जगह न्याय, ये भारतीय चिंतन का आधार भी है। भारतीय न्याय संहिता इस मानवीय चिंतन को आगे बढ़ाती है। भारतीय न्याय संहिता हमारे लोकतंत्र को कॉलोनियल माइंडसेट से आजाद कराती है। न्याय संहिता की ये मूल भावना ज्यादा से ज्यादा प्रभावी बने, ये दायित्व अब हम सभी के सामने है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के जलगांव में आयोजित एक समारोह में 11 लाख नई लखपति दीदियों को प्रमाण पत्र वितरित किए। प्रधानमंत्री ने लखपति दीदियों को सम्मानित किया और उनके कारोबार के बारे में चर्चा की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की महिला शक्ति ने हमेशा समाज और देश के भविष्य के निर्माण में योगदान दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार महिलाओं के लिए उन सभी क्षेत्रों को खोलने की दिशा में काम कर रही है जो कभी उनके लिए प्रतिबंधित थे। साथियों, महाराष्ट्र के संस्कारों को यहां की वीर और धीर माताओं ने सृजित किया है। यहां की मातृशक्ति ने पूरे देश को प्रेरित किया है। आमचे जळगाव एतर वारकरी परंपराचे तीर्थ आहे। महान संत मुक्ताईची ही भूमि आहे। उनकी साधना, उनका तप आज की पीढ़ी के लिए भी प्रेरणा है। बहनाबाई की कविताएं आज भी समाज को रूढ़ियों से बाहर निकल सोचने के लिए मजबूर करती है। महाराष्ट्र का कोई भी कोना हो, इतिहास का कोई भी कालखंड हो, मातृशक्ति का योगदान अप्रतिम रहा है। छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन को किसने दिशा दी? ये काम माता जिजाऊ ने किया। जब समाज में बेटियों की शिक्षा, बेटियों के कामकाज को महत्व नहीं दिया जाता था, तब सावित्रीबाई फूले आगे आई। यानी भारत की मातृशक्ति ने हमेशा समाज और राष्ट्र के भविष्य को बनाने में बहुत बड़ा योगदान दिया है। और आज जब हमारा देश विकसित बनने के लिए मेहनत कर रहा है, तो फिर से हमारी मातृशक्ति आगे आ रही है। मैं अपने सामने देख रहा हूं, महाराष्ट्र की आप सभी बहनें कितना अच्छा काम कर रही है। तुमच्या सगळ्यामध्ये मी राजमाता जिजाऊ आणि सावित्रीबाई फुलेची छाप पाहतो।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि वाले युवाओं से राजनीति में आने का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भी बहुत से गैर राजनीतिक पृष्ठभूमि के लोग उसमें जुड़े थे, इसी तरह की आवश्यकता आज भी है। मन की बात के 113वें एपिसोड में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि स्वतंत्रता दिवस समारोह में उनके लाल किले से दिए गए आह्वान की जबरदस्त प्रतिक्रिया हुई है। युवा उन्हें लिख रहे हैं और वो अपने क्षेत्र में काम करने का अनुभव रखते हैं और राजनीति से जुड़कर बदलाव लाना चाहते हैं। इससे पता चलता है कि कितनी बड़ी संख्या में हमारे युवा राजनीति में आने को तैयार बैठे हैं, बस उन्हें सही मौके और सही मार्गदर्शन की तलाश है। मेरे प्यारे देशवासियों, इस साल मैंने लाल किले से बिना पॉलिटिकल बैकग्राउंड वाले 1,00,000 युवाओं को पॉलिटिकल सिस्टम से जोड़ने का आह्वान किया है। मेरी इस बात पर जबरदस्त प्रतिक्रिया हुई है। इससे पता चलता है कि कितनी बड़ी संख्या में हमारे युवा राजनीति में आने को तैयार बैठे हैं, बस उन्हें सही मौके और सही मार्गदर्शन की तलाश है। इस विषय पर मुझे देश भर के युवाओं के पत्र भी मिले हैं, सोशल मीडिया पर भी जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है, लोगों ने मुझे कई तरह के सुझाव भी भेजे हैं। कुछ युवाओं ने पत्र में लिखा है कि उनके लिए वाकई अकल्पनीय है, दादा या माता पिता की कोई राजनीतिक विरासत नहीं होने की वजह से वो राजनीति में चाहकर भी नहीं आ पाते थे। कुछ युवाओं ने लिखा कि उनके पास जमीनी स्तर पर काम करने का अच्छा अनुभव है, इसलिए वे लोगों की समस्याओं को सुलझाने में मददगार बन सकते हैं। कुछ युवाओं ने यह भी लिखा कि परिवारवादी राजनीति नई प्रतिभाओं का दमन कर देती है। कुछ युवाओं ने कहा कि इस तरह के प्रयासों से हमारे लोकतंत्र को और मजबूती मिलेगी। मैं इस विषय पर सुझाव भेजने के लिए हर किसी का धन्यवाद करता हूं। मुझे उम्मीद है कि अब हमारे सामूहिक प्रयास से ऐसे युवा जिनका कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं है, वे भी राजनीति में आगे आ सकेंगे। उनका अनुभव और उनका जोश देश के काम आएगा। साथियों, स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भी समाज के हर क्षेत्र से ऐसे अनेकों लोग सामने आए थे जिनकी कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि नहीं थी। उन्होंने खुद को भारत की आजादी के लिए झोंक दिया था। आज हमें विकसित भारत का लक्ष्य पाने के लिए एक बार फिर उसी स्पिरिट की जरूरत है। मैं अपने सभी युवा साथियों को कहूंगा, इस अभियान से जरूर जुड़े। आपका ये कदम अपने और देश के भविष्य को बदलने वाला होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के एपिसोड में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस का भी उल्लेख किया। साथ ही उन्होंने अंतरिक्ष के क्षेत्र में स्टार्टअप चलाने वाले युवाओं से बातचीत भी की। 21वीं सदी के भारत में कितना ही कुछ ऐसा हो रहा है जो विकसित भारत की नींव मजबूत कर रहा है। जैसे इस 23 अगस्त को ही हम सब देशवासियों ने पहला नेशनल स्पेस डे मनाया। मुझे विश्वास है कि आप सब ने इस दिन को सेलिब्रेट किया होगा। एक बार फिर चंद्रयान 3 की सफलता का जश्न मनाया होगा। पिछले वर्ष इसी दिन चंद्रयान 3 ने चांद के दक्षिणी हिस्से में शिव शक्ति पॉइंट पर सफलतापूर्वक लैंडिंग की थी। भारत इस गौरवपूर्ण उपलब्धि को हासिल करने वाला दुनिया का पहला देश बना।
प्रधानमंत्री ने विश्व संस्कृत दिवस की भी बात की। उन्होंने कहा कि आज भी देश विदेश में संस्कृत के प्रति लोगों का विशेष लगाव दिखाई देता है। दुनिया के कई देशों में संस्कृत भाषा को लेकर तरह तरह के शोध और प्रयोग किए जा रहे हैं। हमने 19 अगस्त को रक्षाबंधन का पर्व मनाया। उसी दिन पूरी दुनिया में विश्व संस्कृत दिवस भी मनाया गया। आज भी देश विदेश में संस्कृत के प्रति लोगों का विशेष लगाव दिखता है। दुनिया के कई देशों में संस्कृत भाषा को लेकर तरह तरह की रिसर्च और प्रयोग हो रहे हैं। आगे की बात करने से पहले मैं आपके लिए एक छोटी सी ऑडियो क्लिप प्ले कर रहा हूं। साथियों, इस ऑडियो का संबंध यूरोप के एक देश लिथुएनिया से है। वहां एक प्रोफेसर विदोनस ने एक अनूठा प्रयास किया है और इसे नाम दिया है संस्कृत ऑन द रिवर्स। कुछ लोगों का एक ग्रुप वहां नेरिस रिवर के किनारे जमा हुआ और वहां उन्होंने वेदों और गीता का पाठ किया। यहां ऐसे प्रयास पिछले कुछ वर्षों से निरंतर जारी है। आप भी संस्कृत को आगे बढ़ाने वाले ऐसे प्रयासों को सामने लाते रहिए। यही नहीं, प्रधानमंत्री ने हर साल 1 सितंबर से 30 सितंबर के बीच चलने वाले पोषण माह के महत्व को रेखांकित करते हुए लोगों से अभियान से जुड़ने का आग्रह भी किया। मेरे प्यारे देशवासियों, हम सबके जीवन में फिटनेस का बहुत महत्व है। फिट रहने के लिए हमें अपने खान पान, रहन सहन सब पर ध्यान देना होता है। लोगों को फिटनेस के प्रति जागरूक करने के लिए ही फिट इंडिया अभियान की शुरुआत की गई। स्वस्थ रहने के लिए आज हर आयु, हर वर्ग के लोग योग को अपना रहे हैं। लोग अपनी थाली में अब सुपर फूड मिलेट्स यानी श्री अन्न को जगह देने लगे हैं। इन सभी प्रयासों का उद्देश्य यही है कि हर परिवार स्वस्थ हो। साथियों, हमारा परिवार, हमारा समाज और हमारा देश और इन सब का भविष्य हमारे बच्चों की सेहत पर निर्भर है। और बच्चों की अच्छी सेहत के लिए जरूरी है कि उन्हें सही पोषण मिलता रहे। बच्चों का न्यूट्रिशन देश की प्राथमिकता है। वैसे तो उनके पोषण पर पूरे साल हमारा ध्यान रहता है, लेकिन एक महीना देश इस पर विशेष फोकस करता है। इसके लिए हर साल 1 सितंबर से 30 सितंबर के बीच पोषण माह मनाया जाता है। पोषण को लेकर लोगों को जागरूक बनाने के लिए पोषण मेला, एनीमिया शिविर, नवजात शिशुओं के घर की विजिट, सेमिनार, वेबिनार जैसे कई तरीके अपनाए जाते हैं। कितनी ही जगहों पर आंगनवाड़ी के तहत मदर एंड चाइल्ड कमेटी की स्थापना भी की गई है। ये कमेटी कुपोषित बच्चों, गर्भवती महिलाओं और नवजात शिशुओं की माताओं को ट्रैक करती है। उन्हें लगातार मॉनिटर किया जाता है और उनके पोषण की व्यवस्था की जाती है। पिछले वर्ष पोषण अभियान को नई शिक्षा नीति से भी जोड़ा गया है। पोषण भी, पढ़ाई भी, इस अभियान के द्वारा बच्चों के संतुलित विकास पर फोकस किया गया है। आपको भी अपने क्षेत्र में पोषण के प्रति जागरूकता वाले अभियान से जरूर जुड़ना चाहिए। आपके एक छोटे से प्रयास से कुपोषण के खिलाफ इस लड़ाई में बहुत मदद मिलेगी।
इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्ष 2047 में भारत की आज़ादी के शताब्दी वर्ष में नशा मुक्त देश का संकल्प अब हर देशवासी का संकल्प बनता जा रहा है। उन्होंने कहा कि नशा मुक्त भारत का संकल्प एक समृद्ध, सुरक्षित और वैभवशाली भारत के निर्माण के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने 2047 में जब देश की आजादी की शताब्दी मनाई जाएगी, तब इस महान देश को नशे से मुक्त करने का संकल्प लिया है और धीरे धीरे यह संकल्प 130 करोड़ की आबादी का संकल्प बनता जा रहा है। और मैं मानता हूं कि नशा मुक्त भारत का संकल्प समृद्ध, सुरक्षित और वैभवशाली भारत के संकल्प के लिए बहुत महत्वपूर्ण संकल्प है। आज मैं इस कॉन्फ्रेंस में जुड़े हुए सभी लोगों को आग्रह करना चाहता हूं कि इन्वेस्टिगेशन को साइंटिफिक तरीके से हम करें, टॉप टू बॉटम और बॉटम टू टॉप अप्रोच को एडॉप्ट करना पड़ेगा। एक छोटी सी दुकान पर अगर नशे की पुड़िया मिलती है तो वो देश में कहां से आई या कहां पर बनी, तब तक का पूरा नेटवर्क ध्वस्त करने के दृष्टि से हमने इन्वेस्टिगेशन करना पड़ेगा। नार्कोटिक्स का केस एक कोई केस नहीं हो सकता है, पूरे तंत्र को, उसकी पूरी, इसके पीछे के बैकग्राउंड को ध्वस्त करने की दिशा में हमने इन्वेस्टिगेशन को करने की आदत डालनी पड़ेगी। जिस तरह से मैंने कहा बॉटम टू टॉप अप्रोच, इसी तरह से टॉप से बॉटम तक का अप्रोच भी लेना पड़ेगा। एक बड़ी मात्रा में गांजा या चरस या ड्रग्स मिलता है तो वो किसके माध्यम से उपयोगकर्ता तक जाना था उसका भी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करना पड़ेगा और वो इन्वेस्टिगेशन बहुत कठोर होना चाहिए। जब तक आप पूरी चेन को समाप्त नहीं करते हैं, ये पूरे नेटवर्क को ध्वस्त नहीं कर सकते हैं, इस पर हम कंट्रोल नहीं कर सकते। कुछ लोगों को जद में लेकर नार्कोटिक्स के बिजनेस को कंट्रोल नहीं कर सकते, पूरे उनके नेटवर्क को ध्वस्त करने का हमारा प्रयास होना चाहिए। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा कि भारत में नारकोटिक्स का अवैध व्यापार राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ जुड़ा हुआ है। अमित शाह ने यह भी कहा कि ड्रग्स के अवैध व्यापार से अर्जित धन आतंकवाद और वामपंथी उग्रवाद को बढ़ावा देता है और देश की अर्थव्यवस्था को कमजोर करता है। केंद्र सरकार की ओर से यूनिफाइड पेंशन स्कीम की घोषणा के एक दिन बाद ही महाराष्ट्र सरकार ने रविवार को राज्य कर्मचारियों के लिए भी इस योजना को मंजूरी दे दी है। केंद्र की इस योजना को अपने राज्य में लागू करने वाला महाराष्ट्र पहला राज्य बन गया है। दो दिन पहले 24 अगस्त को केंद्र सरकार न्यू पेंशन स्कीम में सुधार कर UPS लेकर आई थी। UPS 1 अप्रैल 2025 से लागू होगा। केंद्र सरकार ने कहा कि राज्य सरकार चाहे तो वो भी इसे अपना सकती हैं और लागू कर सकती हैं, जिसके बाद महाराष्ट्र की एकनाथ शिंदे सरकार ने रविवार को इसकी मंजूरी दे दी। केंद्र की इस योजना को अपने राज्य में लागू करने वाला महाराष्ट्र पहला राज्य बन गया है। महाराष्ट्र मंत्रिमंडल के फैसले के अनुसार UPS इस साल मार्च से प्रभावी होगी और सभी राज्य सरकार के कर्मचारियों को इसका सीधे तौर पर लाभ मिलेगा। भारतीय पैरालंपिक समिति के अध्यक्ष देवेंद्र जजारिया और मिशन प्रमुख सत्यप्रकाश सांगवान की अगुवाई में भारतीय दल पेरिस पैरालंपिक में भाग लेने के लिए रवाना हो चुका है, जहां दल में 84 खिलाड़ी और 95 अधिकारी हैं जो 12 खेलों में हिस्सा लेंगे। भारत ने टोक्यो पैरालंपिक में 19 पदक जीते थे, जो अब तक का भारत का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। भारत की 84 सदस्यीय टीम 28 अगस्त से शुरू हो रहे पेरिस
पैरा ओलंपिक में हिस्सा लेने के लिए रवाना हो गई है, जिसमें हमने पहले भी बताया कि 95 अधिकारी हैं। इनमें खिलाड़ियों की विशेष आवश्यकताओं को देखते हुए उनके साथ जाने वाले निजी कोच और सहायक शामिल हैं। इस तरह भारत के दल में कुल 179 सदस्य शामिल हैं। इन 95 अधिकारियों में से 77 टीम अधिकारी हैं, 9 दल के चिकित्सा अधिकारी हैं और 9 अन्य दल अधिकारी शामिल हैं। भारत पेरिस और पैरा ओलंपिक जो कि 28 अगस्त से 8 सितंबर तक होने वाला है, 84 खिलाड़ियों का अपना अब तक का सबसे बड़ा दल भेज रहा है, जो 12 विभिन्न खेलों में हिस्सा लेंगे। पेरिस पैरालंपिक शुरू हो रहा है। भारत के अभी तक के सबसे बड़ा दल 84 पैरा जाबाज जो पैरालंपिक में अपना दमखम दिखाएंगे। वक्त है उन्हें प्रेरित करने का, उनका आत्मविश्वास बढ़ाने का। तो इस पैरालंपिक में बढ़ाए उनका हौसला और लगाए नारा चीयर फॉर भारत। अभिनेत्री और सांसद हेमा मालिनी कला के प्रति समर्पित हैं। उनके द्वारा की जाने वाली कृष्ण लीला को आखिरकार कौन नहीं जानता। जन्माष्टमी के इस विशेष अवसर पर अभिनेत्री सांसद हेमा मालिनी इस कृष्ण लीला को करने से कैसे गुरेज कर सकती थी। आपको चलते चलते छोड़े जाते हैं हेमा मालिनी के द्वारा की गई कृष्ण लीला की कुछ झलकियों के साथ। मुझे दीजिए आज्ञा, बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार। मैं ही तो योग निद्रा में सोई थी, लगता है जैसे कोई जादूगरनी माया की सलाई से आंखों में नींद का काजल आंच कर चली गई। विधि मेरे आंचल में कौन सी निधि डाल दे इसका मुझे ज्ञान तक नहीं हुआ। इतना ही नहीं, अंतिम प्रहर में रात के मैंने दर्शन किए थे चतुर्भुज नाथ के। कौन देश के तुम हो साधु सन्यासी, देखन में लगत नहीं गोकुल के वासी। महाराज कहाँ ते पधारे हो? मैया हम दर्शन को आए दूर राम से, प्रीत है पुरानी तेरे सुंदर घन श्याम से। ओम नमो जिनमें पलकर तो इतना बड़ा हो गया, ऐसा आकर्षक।